इंकी, कल फास्ट है मेरा, मैं क्या खा सकती हूँ? मिंकी, फास्ट में तो ज्यादातर फ्रूट्स, मिल्क शेक या जूस खाया जाता है। पर मुझे तो ये सब बनाते आती नहीं है। ठीक है, चल तिन्नी से पूछते हैं। बनाने जा रही हूँ एप्पल मिल्क शेक। चलिए देख लेते इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है। मुझे चाहिए 4 से 5 पीस बड़ा साइज एप्पल, और चाहिए बनाना बारीकी से कटा हुआ, एप्पल बारीकी से कटा हुआ, और ड्राई फ्रूट्स। मैं इस कांच के ग्लास के हिसाब से मिक्सी के जो मिक्सी में ऑलरेडी दूध डाल के रखी हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं, पर मेजरमेंट आपके ग्लास के हिसाब से होना चाहिए। अब इस दूध में मैं मिक्स कर दूंगी मेरा कटा हुआ एप्पल। आप इसमें चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हो अगर किसी को मीठा पसंद है, पर मुझे नहीं लगता कि चीनी की ज़रूरत है क्योंकि एप्पल काफ़ी मीठा होता है, तो आप बिना चीनी के भी इसको बना सकते हो। अभी मैं जूस की मिक्सचर की ढक्कन बंद कर देती हूँ और मिक्सी को ऑन कर लेती हूँ, और इसको 2 से 5 मिनट के लिए मिक्सी में पूरा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा एप्पल दूध के साथ अच्छे से मिक्स्ड हो गया है। मैंने मिक्सी ऑलरेडी बंद कर चुकी है, मेरा शेक बन गई है। अब मैं इसको ग्लास में तल लेती हूँ। और इसको गार्निश करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी। अब देख सकते हैं मिक्स कितना थिक बनी है। अब इसको कोई सा भी फास्ट में खा सकते हैं, और ये दुकान में जैसे पानी वगैरह मिला हुआ रहता है, इजीली घर में बन जा सकती है, तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया है बारीकी से कटा हुआ एप्पल, बारीकी से कटा हुआ बनाना और ड्राई फ्रूट्स। आप चाहे तो किसी और चीज़ से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तिन्नीस किचन। थैंक यू।